चक्रवाती तूफान यास ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कल शाम से हो रही भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल हाजीपुर झील में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि सदर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन काउंटर, इमरजेंसी वार्ड, मरीजों के जांच के लिए बना वार्ड, आईसीयू वार्ड या फिर ओपीडी के सामने का इलाका, हर तरफ पानी ही पानी जमा हो रखा है। लबालब पानी भर जाने के कारण मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण एक्सरे मशीन रूम में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से मशीन को काफी क्षति पहुंची है। सदर अस्पताल का डॉक्टर चैम्बर भी पानी में डूब गया है। दरअसल सदर अस्पताल में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से बारिश होते ही अस्पताल झील में तब्दील हो जाता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन के द्वारा स्थिति को काबू में करने का दावा किया जा रहा है। हाय हाय, क्यों, क्या हुआ है? पानी आ गया। काजी का पानी बरसात का। हाँ, काजी का पानी आ गया, बारिश का। अच्छा, क्या क्या भीग गया? फाइल भीग गया। अच्छा, कितना फाइल भीगा है? देखिए कितना भीगा हुआ है। दो गो। अच्छा अच्छा, गोदरेज में पानी चला गया। हाँ, कितना पानी लगा है अस्पताल में? बहुत लगा हुआ है। अभी तो काम मशीन में पानी घुस गया, उसके बाद चालू नहीं किया। क्या लगता है कि चालू हो पाए? चांस कम। क्यों? मशीन में पानी घुस गया है ना। किस चीज़ का पानी? बारिश का पानी। कितना पानी लगा हुआ है? एक खिल्ली भर पानी है। क्या नाम है? सुजीत कुमार। क्या है आपका? एक्सरे टेक्नीशियन। परेशानी तो बहुत हो रही है, पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया एकदम। हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं, अभी इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है मोर्चोरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है, वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। पेशेंट को कितनी परेशानी हो रही है? पेशेंट को पानी माने बहुत परेशानी हो रही है। वार्ड में भी पानी घुसा हुआ, ओटी तक में पानी घुसा हुआ, कैसे होगा? अब जिस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से, इमरजेंसी में घुसा हुआ है, एक्सरे मशीन, एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है।